राशन कार्ड की फाइलें 5 साल से खाद कार्यालयों में धूल फांक रही हैं। राशन कार्ड बनाने की फाइलें 5 साल से बांदीपुरा के खाद कार्यालयों में धूल फांक रही हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नागरिकों की शिकायत के अनुसार राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन और संबंधित फाइलें वर्षों से कार्यालयों में पड़ी है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन की गंभीरता की कमी के कारण नागरिकों को राशन कार्ड मिलने में देरी हो रही है, जिससे उन्हें आवश्यक राशन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस लंबी देरी के कारण लोगों में काफी चिंता और निराशा है। जनता की मांग है कि अधिकारियों को तुरंत इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि राशन कार्ड प्रक्रिया में तेजी आ सके और लोगों को समय पर उनका हक दिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रशीद चेची है, मैं टंगाट बांडीपुरा से। मसला यह है कि पिछले 3 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ, खुद ऑफिस यहाँ बांडीपुरा में, हर जगह के मेरी जो फैमिली है हम 7 बंदे घर, लेकिन राशन कार्ड में 3 ही बंदे, जबकि बाकियों के भी आधार कार्ड बनाए हुए हैं। अब बार बार चक्कर काटने से वो दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो एक तो राशन की प्रॉब्लम जो होती है, तो दूसरा अब स्कूल में बच्चों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं या कहीं पे, तो उनको भी प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि हमें तो यहाँ पे जब आते हैं तो ये यहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो बोल रहे हैं कि हम वेरिफिकेशन करवाएंगे, लेकिन इस वेरिफिकेशन में 6 महीने गुजर जाते हैं, हम फिर चक्कर लगाते हैं, 2 महीने के बाद चक्कर लगाते हैं, लेकिन अभी तक ना वेरिफिकेशन होती है और ना ही ये बंदे जो पड़े रह गए हैं वो एंटर नहीं हो रहे हैं, नहीं दर्ज कर रहे। दूसरा मसला यह है कि जिन लोगों का अभी तक फाइलें बनी हुई है, कहीं बेचारे अलग पड़े हुए हैं और लेकिन वो एक ही फैमिली में पड़े हुए हैं, उनको कहीं कुछ लोगों को आईवाई केस बनते हैं, लेकिन वो इन वजह से जब उनकी राशन कार्ड नहीं बन रहा है तो उनकी वजह से उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो फाइलें यहाँ पे पड़ी हुई है, वो अब थक चुके हैं यहाँ पे उन फाइलों के पीछे घूम घूम के, अब उनने वो फाइलें ही यहाँ छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे कोई काम बनता नहीं है टाइम पे। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ, 3 साल से मैं, क्योंकि मेरे जो बच्चों के डेट ऑफ बर्थ है 2014-2015, तो अभी तक वो मैंने आधार कार्ड भी लाए हैं, तो ये आधार कार्ड है उनके। क्या तो इंतजामिया से यही अपील है कि हमें इन जो ये मसले हो रहे हैं इनको हल होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सब कुछ ऑनलाइन है, ये वो पुराना जमाना नहीं रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में जो भी बच्चा नहीं आएगा तो उसका कुछ बन नहीं सकता है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ना कोई और मसला होता है, तो इसलिए लोग मजबूर हैं। तो इंतजामिया से ये हमारी दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके जो लोग हैं बेचारे, अभी तो इनको वो काम के दिन छोड़ के तो यहाँ पे दफ्तरों में आते हैं, लेकिन जब दफ्तरों में भी काम नहीं हुआ तो वो लोग क्या करें, पेट पालना मुश्किल हो गया है बच्चों का। तो किराए कितना लगता? किराए तो कम से कम हमें 100-200 रुपया किराया हो जाता है, उसके बाद 500 रुपया तक हमारा खर्चा यहाँ बांडीपुरा में हो जाता है, तो लेकिन जब काम भी नहीं हुआ तो बार बार चक्कर काटने से अब हमने वो फाइलें ही छोड़ दी, ना कहीं जगह हमारे बच्चे दर्ज हो रहे हैं, स्कूलों में भी हमारे बच्चों को अब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते वो नहीं बन रहे, वजह क्या है कि वो यहाँ पे राशन कार्ड में एडजस्ट ही नहीं हो रहे, या किसी का राशन कार्ड बन ही नहीं रहा। तो मेहरबानी करके ये हमारी अपील रहेगी गवर्नमेंट इंतजामिया से, बांडीपुरा डीसी साहब से, बाकी आपकी वसादत से अगर ये काम लोगों का हल हो जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया।